क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर वेलोसिटी कितने प्रोपोर्शनल होगी ये हमें बताना है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1/n³ के, इसके होगी 1/n³ के, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा भी होता है, और टाइम ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/T, और हमें पता है टी क्या होता है हमारे पास n³/z² टी हमारे लिए क्या होता है n³/z², तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2π/n³/z², यानी कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/z² / क्या होता है n³, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया 1/n³ के, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड क्या होता है 1.5 × 10⁻⁶ n³/z², ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2π/ओमेगा भी होता है, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन होता है, टाइम पीरियड ये भी होता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2π/T, तो पुट कर दिया तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n³। दिस इज अ क्वेश्चन।